फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड की रसमलाई बनाने जा रही हूँ। ये बहुत इजी तरीके से बन रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे बना। ये देखिए मेरी सामग्री है, ये बादाम है जो कि थोड़ा सा लगेगा, ये काजू, एक कटोरी चीनी, 6-7 पीस इलायची, ये किशमिश, ये मैं 5-6 ब्रेड ली हूँ और ये थोड़ा सा फूड कलर। 1.5 किलो दूध ली हूँ मैं, इसे बॉयल करके मैं पूरा ऐसे सुखा दूँगी, पूरा रबड़ी बना दूँगी मैं ऐसे। हो चुका है मेरा, देखिए पूरा सूख रहा है, ये गाढ़ा मलाईदार हो चुका है। ये देखिए इसे मैं इसे और सुखाऊंगी और बहुत ही ईजी तरीके से बन जा रहा है ये। अगर ब्रेड आपके घर में अवेलेबल हो तो झटपट से जब मन किया तब बना के अपना टेस्ट कर ली। हो चुका है मेरा, ये देखिए इस टाइप का गाढ़ा होगा, पूरा मलाईदार, ये देखिए इस टाइप का। अब मैं इसमें 1 पिंच मैं इलायची डालूंगी, इलायची डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये फूड कलर, मैं इतना देखें इस टाइप का मैं डाल रही हूँ फूड कलर, ताकि हल्का सा क्रीमी कलर आ जाए। बहुत सारे दूध में तो आ भी जाता है लेकिन बहुत सारे में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। मिक्स कर दी हूँ, अब मैं इसे अलग हटा के रख देती हूँ। अब मैं आगे की प्रोसेस में चलती हूँ। ब्रेड अब मैं इसे एक साइड रख देती हूँ ब्रेड को, और ये 2 ब्रेड मैं लेती हूँ, 2 ब्रेड को मैं एक साथ काटूँगी। ये मैं ग्लास से काट रही हूँ, आप चाहें तो कुकी कटर से भी काट सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से मैं काट रही हूँ, प्रेशर दूंगी, ये देखिए इस टाइप का आ गया अंदर में। मैं 2 चम्मच में, ज़्यादा मीठा नहीं करना, इसमें थोड़ा सा चीनी दूंगी मैं। गर्म में मैंने डाली इसीलिए कि पतला हो जाता है ये मेरा, ये देखिए तो गाढ़ा रहेगा और गल भी जाएगा इस टाइप से। इसमें चलती हूँ, ये ब्रेड है मैं इसे डिप करूँगी, ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए तो मैं प्लेट में निकालूंगी। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।